हो गाड़ी से जा रही हूँ, मेरा आगे कोई बुलेट लगा देता है गाड़ी के आके, एकदम से मैं डर जाती हूँ, पता नहीं क्यों लगा दी भाई सो बात आ जाती। सोचा चल तू बुलेट चला, मैंने एक फ्रेंड बुला लिया अपना, अगर वो नहीं आता तो नहीं हो पाता, उसके पास ही बुलेट थी, तो पहले गियर ऐसे मार दियो है ना, ये क्लिच छोड़ दियो। लोग बोलते हैं कि अंशु वालिया नंबर प्लेट का के बुलेट चलाती है, इसके चलान नहीं कटते क्या? वही वो आ गए। अरे आपने हवाबाजी कर रहे हो, नंबर प्लेट लगा रखे, हवाबाजी कुछ नहीं है, इंस्टा की हवाबाजी है। तो कह रहे चलान कटेगा आपका नंबर प्लेट का। और भाई क्या हाल है सबके, नए पॉडकास्ट में सबका वेलकम है। और आज के पॉडकास्ट पे भाई एक ऐसी लड़की आई है जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है, तो मिलिए अपनी अंशु बालियान बहन से। स्वागत है दीदी आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी बढ़िया। और दीदी आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ भाई पहले कभी नहीं दिया? नहीं मतलब मेरे पे मैसेज आते थे, मैं सबको मना कर देता था, क्यों शादी के बाद कराऊंगी। पर आपने तो हमको हाँ कर दी, हम तो बहुत लकी है। नहीं भाई ये तुम्हारा दोस्त था मैंने इसलिए। थैंक यू सो मच। तो दीदी कैसी फील आ रही है बैठ के बस इंटरव्यू? बस कुछ नहीं, नॉर्मल नॉर्मल सा, कोई डर नहीं लगता कि नहीं क्वेश्चन पूछेंगे? किसी भी चीज से डर नहीं लगता कभी भी। चलो और बताओ लाइफ, कोई भी सामने आके बैठ जाओ, किसी से बात करनी हो खुल के बात कर लूंगी मैं, कभी इस चीज से डरूंगी नहीं कि हाँ मतलब मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, हिचकिचाऊं कुछ भी नहीं, ऐसा सीन। तो कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आपके अंदर, बचपन से ऐसा है। हाँ चलो वो सही है। और बताओ लाइफ कैसी चल रही है अभी? बस काट रहे टाइम। तो दीदी हमने सुना आपका गाना भी आने वाला है, हाँ सॉन्ग आएगा, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ, ऑडियंस वेट कर रही है कब तक आ जाएगा, क्या सीन है? भाई मेरा सॉन्ग आएगा पता नहीं, शायद 10 डेज लग जाए, इतने ही दिन लगेंगे, ज्यादा तो नहीं वैसे। और अभी कंपनी वगैरह में देना सोचा, पहले मैंने सोचा था खुद के चैनल पे डालूंगी, मेरा व्लॉग का चैनल अंशु बालियान व्लॉग के नाम से है, फिर मेरा थोड़ा दिमाग चेंज हुआ अच्छा। कि ना मैं तो दीदी गाना किस टाइप का आ रहा है वो थोड़ा बताओ? बदमाशी, बदमाशी दिखाओगी दीदी? लड़की की बदमाशी है उसमें, लड़की की वॉइस है, मतलब पूरा बदमाशी का सॉन्ग है। ओके दीदी के चैनल का लिंक भी दे देंगे हम भाई, ब्लॉग आते हैं डेली, सब्सक्राइब कर देना सारे भाई। चलो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा दीदी, आप जी। इंस्टाग्राम पे काफी फेमस हो काफी टाइम से, लगभग आपको कितना टाइम हो गया इंस्टाग्राम पे आए हुए? मेरे को ये मान लो 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। हाँ तो मेरी आपको एक आईडी थी इससे पहले, जो मेरी अब आईडी बनाई है, वो आईडी पता नहीं कैसे सस्पेंड हो गई, कैसे बंद हो गई थी, उस पर मेरे 70-80 हज़ार फॉलोवर थे। वह मेरे को बहुत दुख हुआ, मैंने हिम्मत हार दी, छोड़ अब तो अच्छा तू कुछ भी नहीं होगा, न तो फेमस हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगी, तेरी वीडियोस थी वो इसमें ही थी। फिर मैंने एक दिन दोबारा आईडी बनाई उसी रात को जिस दिन मेरी सस्पेंड हुई थी वो आईडी, अच्छा मेरे को क्योंकि उसका पासवर्ड भी नहीं पता था, क्योंकि सस्पेंड हुई आईडी आ जाती है वापस, वो मैंने अब कर लेती हूँ, तो मेरे को उसका जब आईडी का पासवर्ड नहीं पता था, तो मैंने प्राइवेट आईडी बनाई, कोई कोई बात नहीं भाई चल बना दे तू, सोचा मैंने ऐसी पड़ी पड़ी ने बना दू, बना दी, अनप्राइवेट कर दी एक दिन, पता नहीं क्यों, फॉलोवर बढ़ते रहे, वीडियो डालती रही नॉर्मल फोन से, ना कोई एप्पल का फोन था कुछ नहीं था, सिर्फ वायरल होती रही, बट वायरल कुछ नहीं था, नॉर्मल चल रही थी, फिर मेरी इतने हुआ अपना जो भी हुआ डाली इंस्टा पे हुई बढ़िया, फिर अपना अकाउंट टूट गया मेरा। तो आपकी पहली रील कौन सी वायरल गई थी, याद आपको पहली कुछ? रील हाँ मेरी वायरल थी, इस वाले अकाउंट पे, ये हाँ वाला? जो मेरा न्यू अकाउंट था, ये जो मैं 1.5 साल पहले बनाया, इस पे मेरी पहली वीडियो वायरल थी। मैं एक दुकान में थी, अच्छा। चप्पल जूते की दुकान थी, वैसे ही एक फ्रेंड बैठा था मेरा, वो मेरे साथ गया हुआ था, मैंने कहा तू ना स्नैप ले, मेरी स्नैप बना एक, मैंने वो स्नैप बनाई थी, कोई रील नहीं बनाई थी, अच्छा। तो उसने बोला ठीक है बना रहा हूँ, तो उसने मेरी स्नैप बनाई, वो मैं चलती हुई आ रही थी वहां से, तो वही लो वही बना दी मैंने तेरी स्नैप, मैं बिल्कुल बढ़िया चल रही थी ऐसी, उसमें मैं बहुत लंबी चौड़ी आ गई अच्छा। वीडियो में। वो देखने में भी लगता है बहुत लंबी हाइट है। हाँ उसमें मैं इतनी लंबी ठाड़ी आ गई, और उसमें मैं जेब मार देकर कती मुंह चल रही हूँ चौड़ी होकर, बढ़िया। तो मैंने सोचा 15-20 दिन बाद स्नैप तो भेज दिया, सोचा चलती से इंस्टा पे डाल देते, रील के लायक है थोड़ी बहुत, स्नैप की रील हमेशा या स्नैप हमेशा ब्लर आती है हल्की हल्की, तो फिर मैंने बनवा दी भाई, चलो कोई नहीं, मैंने डाल दी इंस्टा पे, वो थोड़े दिन बाद वायरल हुई, पहले अच्छा। तो डल गई, उस पर मैं देखू मैं घर ही लाइक आ रहे वीडियो पे, कौन सी चली आ, वो घर ही नीचे जानी थी, तो हाँ। मैं गई उस पर भाई देखी, तो वो मेरी मिलियन में चली गई, बस वहां से मैं वायरल हुई, वहां से मैं फॉलोवर बढ़े, फिर मेरी सेकंड रील जो वायरल हुई थी उन्हीं कपड़ों में दूसरी वायरल हो गई थी वॉइस की, अच्छा। तीसरी रील जी मेरी बुलेट चलाते हुए की ब्राइडल में, जो मैंने दुल्हन के कपड़ों में हाँ ब्राइडल, हाँ वो बिल्कुल वाली तो बिल्कुल बहुत पेज पे भी डली थी हाँ। दीदी। जो ये फेमस होने का था बचपन से था या बाद में जा किसी को देख के लगा कि मुझे ये फेमस होना है यार? नहीं बस इतना था कि इतना बनना है खुद को कि दुनिया जानने नाम से, तो जानती है अब तो कैसी फील आती है, हाँ सपना बढ़िया, पूरा हो अब तो गया। मेरे को कहीं पे भी कोई भी लोग मिल जाते हैं। कोई फेन मोमेंट बताओ, फैन कोई याद है मूवमेंट फनी या कुछ किस्सा याद हो, कोई मिला हो किस चीज का फैन मिले हो? मूवमेंट, हाँ
हाँ मैं ना एक बार कमला नगर में मोमोज खा रही थी खड़ी होके, अच्छा। तो वही मोमोज खा रही थी मैं थी और मेरे साथ मोंटी था। तो मतलब इधर मॉल है कमला नगर में, सामने मोमोज वाला जिसके मैं खाती हूँ, मैं हमेशा हर तीसरे दिन उसके ही मोमोज खाने जाती हूँ। अच्छा तो मैं ना मॉल के इधर को ना मोंटी पैडी पे बैठ के मोमोज खा हाँ रहा था, मैं वहां खड़ी होकर मोमोज खा रही हाँ थी। दो लड़के आए थे बाइक पे, वो हाँ वही अपना वीडियो बनाने लगे। अच्छा मेरे को लगा नॉर्मल स्नैप वगैरह दुनिया हाँ बनाती है, फिर ऐसे ही कर रहे होंगे। ये चीज मोंटी ने नोटिस करी कि वो हमारे ब्लॉग वो बना रहे वीडियो। फिर हाँ वो उतर के बोला आप अंशु बाल लिया ना, मैंने कहा हाँ भाई। फिर वो कह रहे हमने आपकी वीडियो बना ली। हाँ मैंने कहा जब तेरे को मुझसे मिलना तो मेरे दोहरा आके बना लेता, जो चोरी चोरी क्यों मेरी वीडियो बनावे है। बस ये था ये सबका। रैंडम तो एंट्री हाँ आपका हाँ सबसे मतलब ज्यादा मेरे को उसकी बातें याद रहती है। अच्छा हाँ वरना तो जैसे मैं वो गाड़ी से जा रही हूँ, मेरे आगे कोई बुलेट लगा देता है गाड़ी के आके, एकदम से मैं डर जाती हूँ, पता नहीं क्यों लगा दी, वही हाँ सो बात हाँ आ जाती तो है। होता है ऐसे सामने हाँ आते हैं हाँ बहुत तो बार फिर होता रुक है, के वो चली जाती होगी इग्नोर मैं रुक करके। जाती हूँ। अच्छा जब आगे एक बात होता बुलेट लगा देगा गाड़ी के, हम चलेंगे तो पर वैसे खत्म। गलत चीज है, एकदम से सामने आके रोक रहे हो भाई, डर भी लगता होगा, फेमस हाँ डर लगता होने है। के साथ साथ थोड़ा मतलब वो भी होता है, फिर कोई भी हाँ एकदम जब से से रोक मैंने लेता सोचा गाड़ी के काले शीशे रखूंगा, है। अच्छा ब्लैक और नामी सिकल दिखे किसी को, कौन जा रहा है कौन नहीं, बस अपना ऐसी मार्केट में जो किसी भी मार्केट में जाती हूँ शॉपिंग में, सिर्फ अधिकतर 2-4 ब्रांड से ही करती हूँ, सब जानते हैं वहां पे, कोई ऐसा ना है जो मेरे को ना जानता हो। अरे ऐसी अपने साथ ऐसी हरकतें और होने लगी, मैं दुकानों पे जाऊंगी अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जो मेरे को लेके ना भेजे, जरूर अच्छा हमेशा कोई ना कोई सामान दिखाते ही रहेगा, चपरी रात हो जाइए उसे, दीदी नहीं ये अच्छा है ले लो ले लो, फिर मैं ले लेती हूँ चलो भाई। तो दीदी आप एक बात बताओ, आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप यूट्यूब पे भी आए हो तो यूट्यूब पर क्या पर्पज है आपको, यूट्यूब का शौक था कि हाँ बजाने की यूट्यूब मतलब जो मैंने पे, नहीं यार यूट्यूब की मैं बता दूँ तो ना, वो यूट्यूब बता पे मैं दो आई नहीं हूँ, और मेरे फादर इन लॉ है। अच्छा हाँ हाँ तो मैं एक दिन वृंदावन जाऊं थी, ठीक है, तो मैं उनसे मिली थी, अच्छा तो पापा ने मेरे को बेटा तू व्लॉग बना, मैंने कहा पापा नहीं, मैंने उनको मना कर दिया। तो पापा ने मुझे जब भेजा वहां से, मैंने मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड रहती थी कीर्ति, उसने पापा और मम्मी का व्लॉग बना दिया, पापा मम्मी ने हेलो गाइस कर दिया, वो मेरे हम गए वृंदावन उस वाले व्लॉग में पापा मम्मी लास्ट में है, तो देखना आप जिसको हाँ देखना हो। तो भाई ठीक है, मदर इन लो फादर इन लो ने मेरे को ये बात बोली, मैंने कहा ठीक है चलो मैं देखती हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरे को ऐसा लगता था मैं अपने यूट्यूब पे ना व्लॉग डालूंगी तू बोलेगी तो कितनी बुरी लगेगी आवाज नहीं। तो ना मेरे को आवाज अच्छी नहीं लगती थी, और आज भी मेरे पास बैठ कर कोई मेरा व्लॉग चलाता है ना तो मैं बाहर चली जाती हूँ। मेरे हाँ वही को आवाज बड़ी अजीब लगती है। तो वही कोई नहीं, दीदी, कोई पसंद है यूट्यूब पे, कोई यूट्यूबर जिसके ब्लॉग पसंद आते हो, अच्छे बना रहा है भाई, किसी नहीं को देखती हो? मैं सही बताऊं तो किसी का व्लॉग नहीं देखती, मेरे पे इतना टाइम ही नहीं होता ओके किसी के भी ओके व्लॉग देखने का, ना मैं ज्यादातर किसी को सब्सक्राइब करती, मेरे को टाइम ही नहीं होता। मतलब या तो इंस्टा में, पर दो दो अकाउंट है इंस्टा पे भी, दोनों मेरे ठीक चलते हैं तो मेरे को टाइम नहीं मिल दीदी पाता शेड्यूल क्या है आपका डेली, डेली का। दिन से लेकर रात तक का क्या क्या करता है, मतलब किस टाइम उठ जाती हो, फिर कब रील बनाती हो, क्या सीन है? मैं बताती हूँ, मैं मतलब सुबह के टाइम सोती हूँ 6 बजे। सुबह 6 बजे सोती हो? हाँ मैं अच्छा ना हमेशा हमारे यहाँ पे रोड पे 4 बजे एक बिरयानी वाला आता है हाँ वेज बिरयानी, तो मैं हाँ वो खा के 6 बजे हाँ सोती हूँ। 4 बजे बिरयानी खा के छह हाँ बजे पूरी रात जगूंगी, 6 बजे 5 बजे बिरयानी खा के मेरा भाई लेके आता है ना, तो 6 बजे मैं सोती हूँ, 6-7 बजे तक इतने मैं सोती हूँ, मैं उठती हूँ जब तक बच जाता है 2:30। अच्छा हाँ ये मेरा वो है टाइम, और उठ के मेरा नाश्ता होता है 6 बजे, चाय का हाँ थोड़ा सा बस। फिर मैं रात को ही खाना वाना खाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती, रोटी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ तो बाहर के पिज्जा बर्गर मोमो पास्ता व्हाइट सॉस ये मेरा तो फेवरेट है। मुझे आगे एक बात बताओ, आपकी काफी रील बुलेट की चलाने की वायरल हो चुकी है, उसके बाद भी काफी, पहले तो दुल्हन वाला इंसिडेंट बताओ, वो कैसे माइंड में आया, वो क्या दूल्हे आपने कपड़े पहने हुए हैं, लहंगा मेरा पहना ना हुआ है? ब्राइडल शूट हुआ था, तो अच्छा उन्होंने बोला कि ना हमें आपका ब्राइडल शूट करना है, मेरा फर्स्ट ब्राइडल शूट था, मेरे अब तक कम से कम 6-7 ब्राइडल शूट हो चुके हैं, तो मैंने 2 ब्राइडल में बुलेट चलाई है, तो मेरी फर्स्ट ब्राइडल की थी जो मैंने सोचा चल तू बुलेट चला, मैंने एक फ्रेंड बुला लिया अपना, अगर वो नहीं आता तो नहीं हो पाता, उसके पास ही बुलेट थी, वो रोहिणी में रहता है, तो मैंने वो बुलाया, वही मेरे को बुलेट मिली, मैंने भी सड़क पे बुलेट में फर्स्ट टाइम हाथ में मैंने बुलेट ली थी। तो आपको उससे पहले कभी पहले आती नहीं नहीं, थी चलानी, नहीं मैंने उससे पहले बुलेट नहीं चलाई थी, मैंने सिर्फ स्कूटी चलाई थी। तो दीदी तुम तो फर्स्ट मेरे टाइम को ही इतना ना परफेक्ट मेरे बनाई। दोस्त ने बताया कि ना तू पहला गियर ऐसे मार दियो है ना, ये क्लिच छोड़ दियो, ये मैंने ये काम कर दिया, मैंने कहा चल ठीक है भाई कर दूंगी।
तो मैं थोड़ी डरी, मैंने कितने हैवी कपड़े पहन रही, इधर उधर लुढ़क हाँ गई, तो जयराम जी की अपना भाई नीचे से मगर लहंगा जल गया, कुछ हो गया, 70 चीज। तो मैंने कभी हाथ में बुलेट नहीं ली थी, वो फर्स्ट मेरे हाथ में बुलेट ली थी मैंने जिस दिन ब्राइडल की थी। इंस्टा पे भी सबको यही पता चला था कि हाँ भाई अंशु वाल्या बुलेट भी चलाती है उस चीज से। ऐसे होगा। तो हाँ आपको शौक है बचपन से, या फिर मतलब ऐसी एकदम ही रिसेंटली ये बना कि आप मुझे चला के डालनी है? एकदम से, मतलब ये मैं डरती तो हुई नहीं, हाँ डरती चाहे मेरे साथ को कुछ भी ला के दे दो मैं ट्राई जरूर करूंगी, चाहे मेरे से कोई काम आता ना हो मैं करके जरूर कोशिश करती हूँ इस चीज की। तो मैंने वही कोशिश की, भाई तू चला के देख भाई। मैंने हल्की हल्की रेस दी, क्लिच छोड़ी, क्लिच छोड़ी, वो एकदम से गैल छूट जावे वो भाग गया ना आगे को गई, बात दिक्कत आई थी, पर मैंने फिर भी बुलेट चला ली थी। फिर मैंने बहुत दूर तक बुलेट चलाई, जब चलाई तो बस इतना तो पता था यहाँ से तो रुकी जाएगी, हैंडल वेंडल चलाने आते ही थे, स्कूटी चलाती थी तो बस यहाँ से चलाती दीदी थी। काफी लोग बोलते हैं कि अंशु वालिया नंबर प्लेट हटा के बुलेट चलाती है, इसके चालान नहीं कटते क्या? कमेंट आते हैं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे कमेंट आते हैं, कुछ बताओ थोड़ा। हाँ मैं नंबर प्लेट लगाती हूँ, पीछे जाटनी की लगी है जिस पे हाँ भी, जो मैंने बुलेट चलाई आज तक, तो हाँ उसके चालान नहीं कटे। वैसे तो क्यों नहीं कटे, क्योंकि जहां भी मेरे को एक बार पुलिस वाले ने पकड़ा था, हाँ मैं थी कहाँ पे, बुराड़ी के साइड, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, दो फ्रेंड थे मेरे, तो वही वो भी थे, वो डर गए, इनकी हवस ही निकल अच्छा गई, मैं कोई दिक्कत नहीं खड़ी हूँ ना मैं पुलिस वालों भी देखेंगे आम इनको, वही वो आ गए, हाँ अरे आपने हवाबाजी कर रहे हो नंबर प्लेट लगा रखे, हवाबाजी कुछ नहीं है, इंस्टा की हवाबाजी है। तो हाँ कह रहे नंबर चलान कटेगा आपका नंबर प्लेट का। मैंने हाँ कि मैंने इंस्टा पे रील डालनी है भाई, उसके लिए नंबर प्लेट हाइड की हुई है, तो रील बना के फिर जल्दी जाओ यहाँ से वरना हम आपका चलान काट देंगे। वो अच्छा जी, वो ना पुलिस वाले वहां पे राउंड लगाते उस रोड पे जिस रोड पे मैंने मतलब वो कर चलाई थी, तो वो बिल्कुल खाली रोड था, तो उस पे बार बार पुलिस वाला, मेरे बार बार दोस्त बोलता है, वो भी सुनेंगे जरूर जो भी है तो ना वो बार बार दीदी पुलिस वाले आगे चलो चलो, मैंने कि अरे कुछ ना हो रहा है ना, मैं अब थोड़ी कुछ कहूंगी ये, करे दीदी इन्होंने बोला था कि अभी जाना वरना चलान काट दे, 3-4 हजार रुपये कट जाएगा, क्या फायदा, मैंने कुछ नहीं कटेगा, इनके आगे ही बनाऊंगा रील तो डर नहीं ऐसे है वही रहता है। सीधी वाली बात है, कहीं इतनी चीज से हाँ डर नहीं। हाँ मेरी इंस्टा पे एक फोटो थी, अगर आपने देखा पिन की हुई है मैंने, वो जाट वाली बुलेट के जाटनी पीछे। बुलेट के हाँ पीछे, हाँ हाँ वो फोटो मेरी इंस्टा पे वायरल हुई थी, कम्युनिटी पर हर पेज पर आपने देखा हो, हाँ जितने हाँ ही हाँ पेज हो सब पे मेरी फोटोज वीडियो सब पड़ी हैं, सिर्फ उसी फोटो से मैं वायरल हुई थी, कम्युनिटी ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया था, वहां पे मैं फेमस हुई थी वहां पे अच्छे से, काफी पेज पे भी डली है वो जाट की बहुत पेज हो पे, कम्युनिटी। कोई पेज ऐसा नहीं है, जाटो कड्डा सबसे बड़ा पेज है, इस पे अच्छे फॉलोवर्स है, अच्छी रीच है उसकी, उस पे मेरी पड़ी है फोटो, और एक jat.com है वो मेरठ का ही है, तो एक उसने भी वो बहुत डालता है, कि जब से मैंने कोई भी वीडियो ही, मैं हर वीडियो पे जाटनी का वो लगाती थी, देखा हो हर वीडियो पे डलता है मैंने मेरा। आपकी काफी सारी रील्स देखे, तो मतलब बदमाशी रिलेटेड ज्यादा रहती है, जो डायलॉग होते हैं उसमें वो हाँ बदमाशी मेरे करते से हैं। डांस नहीं होता, ठीक है, मैं गाने का शूट कर कर आई थी, तो ना वो मेरे से बोल रहे कि ना आप गुस्सा करो थोड़ा मेरे से गुस्सा ना हुआ है, वो 10 बार 10-15 बार उन्होंने कोशिश करी, मेरे से गुस्सा नहीं आता, मतलब मैं हंसती रहती हूँ, जैसे हंसती हूँ, गुस्सा मेरे को जब आता है जब कुछ घने बड़ा कांड होता है, वरना मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी से, कोई कुछ भी करे कोई कुछ भी ना करे, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं आती, भाई बोलते रहो जिसको जो बोलना है। तो दीदी आपका पहला सॉन्ग आ रहा है, दीदी हाँ फर्स्ट आ रहा है इसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कैसा लगता है जब शूटिंग वगैरह होती कैसे है? आपको ऑफर हुआ, क्या सिस्टम था, इस बारे में बताओ। भाई, मेरा एक फ्रेंड था जस्सी, ये 2 साल से पीछे पड़ रहा था, अंशु वालिया तू अच्छा एक गाना तो कर, हम तुझे इतना बड़ा फेमस करेंगे तू एक गाना तो कर, वो मेरे से हर बार ये बात बोलता था, मैंने कहा चल ठीक है करूंगी करूंगी, तो मेरी फैमिली ने थोड़ा इस चीज में बोला कि तू शादी के बाद जो भी करना चाहेगी तो वो कर लियो, फिर मैंने कहा पहले शादी के लाड़ा खत्म करूँ तो मेरे को ना रील भी नहीं बनाने देते थे, मेरी मम्मी यार कभी मेरे को इस चीज में सपोर्ट नहीं करती थी रील में, क्योंकि हाँ मैं थी मुजफ्फरनगर की मेरठ साइड की, तो मेरे पूरे खानदान में पूरे रिश्तेदारी में कोई लड़की ऐसी नहीं थी जिसने भी मतलब ये सोशल इंस्टा मीडिया पे पे आई हो, सोशल सोशल मीडिया मीडिया पे पे आई हो, तो मैं फर्स्ट ऐसी थी, दिल्ली में मैं रहती थी, चर्चे भी फिर देखो ऊपर ही होंगे कि फलाने की हाँ दिल्ली में रहा है, तो मैं इंस्टा पे आई, सबने मेरे को थोड़ी बातें सुनाई, मैंने सबकी सुनी, एक से सुनी एक से काट दी, अच्छा मैंने कहा छोड़ बोलने दे, लोगों का काम है, मतलब मैं बोलने नहीं चाहती रिश्तेदार के बारे में, पर हाँ दिक्कत दिक्कत सब देते थे मेरे को, इरिटेट सब करते थे कि हाँ ये चीज अच्छी नहीं होती, वीडियो डालनी ऐसे फिर शादी नहीं हो पाती, ये नहीं हो पाता, तो मैंने कहा अच्छा भाई, तो मैंने सबको अवॉइड करा बिल्कुल, मैं किसी की नहीं सुनी, खत्म छोड़ो, भोगते रहो तुम्हारा काम है भोगने का, बजते रहो, मेरा डायलॉग है बजते रहो ज्यादा, मतलब बजो जिसका ही फोन है तो दीदी बजो इसके साथ में एक बात पूछना चाहूंगा, काफी आप तो अच्छे सेटल हो भी चुके एक तरीके से, तो हमारी जैसे यूथ हुआ ये सब लड़की, काफी लड़कियों को अब भी ये चीजें होती हैं, घर वाले रोकते, रिश्तेदार
हर लड़की के साथ जो भी इंस्टा पे होती है या फिर मैं मानती हूँ चाहे उनके मम्मी पापा को दिक्कत ना दे पर रिश्तेदार तो जरूर देते ही देते हैं, या इन लॉस फैमिली दे देंगे, रिश्तेदार दे देंगे शादी के बाद, या शादी से पहले रिश्तेदार होते हैं, शादी बाद इन लॉस फैमिली में कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। तो मतलब आप इनको कोई यूथ का मैसेज दो, जो लड़कियां हैं हमारा पॉडकास्ट भी देखेंगे, उनको बताओ कि अगर आपको ये काम कर रहा ना आप इस तरीके से करो, लोगों की बात बस किसी की मत सुनो, फिर तो अपनी अपनी सुनो, लोगों को ब्लॉक करो, रिश्तेदारों को ब्लॉक करो, सबके बच्चे ब्लॉक करो जिससे आपको दिक्कत है वही अब ना फिर आगे ही बढ़ोगे, घर वाले नुके जी ब्याह के बाद कुछ भी करो, मैं तो ऐसा गाने काट दो तो शादी करो, लड़का देखो करो ना, बताओ घर में जिससे ब्याह करना है। दीदी गुड न्यूज कब तक मिल रही है? नॉर्मल जल्दी मिलेगी, कुछ आइडिया दे दो। नवंबर देख लो गाइस, नवंबर में मिल जाएगी गुड न्यूज आपको। तो चलो दीदी आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे, जनता के भी हमारे भी, वो हम पुट अप करेंगे, आप उनके जवाब देने। तो दीदी पहला क्वेश्चन मैं ही पूछ रहा हूँ, वैसे तो मुझे लगता है आंसर मुझे मिल गया, सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड कौन सा पसंद है आपको खाने में? सब कुछ नहीं, सबसे ज्यादा जो मैं खाती हूँ वो है व्हाइट सॉस पास्ता, हाँ है ना, और मैकडी का बर्गर, ओके। मैकडी का नहीं तो बर्गर क्लब का फेवरेट है। सबसे तो एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपको सबसे ज्यादा सिंगर कौन सा पसंद है जिसके गाने सुनना अच्छा लगता है? सिंगर हरियाणवी हो, पंजाबी हो, बॉलीवुड हो, कोई भी एक सिंगर, फीमेल में मेल में? दोनों बता दो, मेल में फीमेल में भी। अच्छा मेरे को सही बताऊं ना तो चलो मैं पंजाब की बता देती हूँ, एक तो टोनी कक्कर, टोनी कक्कर, अच्छा हाँ, अर्नेया कक्कर, नेहा, दोनों हाँ भाई बहन। सही में मेरे को नेहा कक्कर की कोई वॉइस सुनना, कभी कोई सैड गाना, कोई इंसान सैड, बहुत अच्छे गाने लगते हैं। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं दीदी को मैसेज किया, ठीक है दीदी पॉडकास्ट आ जाओ, तो दीदी तुमने गूगल मैप ही खोला था। किसने यार को भाई इस तरह मैसेज करो, दीदी आप ना, मैंने इसको बोला मिनी की ओए मैं मेरठ आ गई, चल रील वील बनाते हैं, पारुल और तू और वो आ जा, क्या नाम उसका, हर्ष, हर्ष, मैं तो भूल जाओ बिजनौर वाले को। कोई दिक्कत नहीं। दीदी मैंने की मैं कहा मैं तीनों आ रहा है, ये बोलता है दीदी आप एक काम करो पॉडकास्ट पे मिलना कल मेरे को, मैं सर्च मारू गूगल पर पॉडकास्ट। दिली दिली कोई घूमने की जगह है का नाम आ, मैंने सोचा कोई कैफे या फिर कोई जंगा होगी मेरठ में, फिर इसने बोला गोडविन के पास है दीदी पॉडकास्ट आ जाओ वहाँ पे। मैंने कहा गोडविन स्कूल तो यहाँ है और होटल यहाँ है, मैंने कहा कितना बुलावा है, चल मैं देखती हूँ। मैंने देखा भाई सिर मारा पूरी रात, मेरा कुछ नहीं मिला लोकेशन, पूछ लेते ना एक बार। मैंने इससे पूछिए बोले ये सर पॉडकास्ट पे आ जाओ, कहीं घूमने की जगह होगी बढ़िया। हाँ मैंने ये सोचा कहीं घूमने वूमने की जगह होगी रील वील बनाने की, बना लेंगे। हाँ अच्छा दीदी अभी आपके भैया अंकित बाजियान, आप उनके साथ बहुत सारी रील बनाती हो, तो मतलब सगे भाई हैं क्या सीन है? मतलब वो ना घर कुनबे में मान लो, मतलब ये है कि हाँ मतलब जो मेरा सगा भाई है ना उसको तो कोई नहीं जानता ज्यादा, अंकित को ज्यादा मानते हैं कि हाँ अंकित अंशु का सगा भाई है, पर मतलब अपना ठीक है, फैमिली भी जानती है उसको, मैं मेरी उसको फैमिली जानती है, मैं उसकी फैमिली को, सब कुछ ऐसे ओके है। अच्छा दीदी मैंने आपकी आईडी देखी, आप मतलब सूट में सूट नहीं पहनती आप, नहीं सारे बदमाशों वाले कपड़े और बदमाश मैं, के। हाँ मैं ना जब मैं वैसे कपड़े पहनती हूँ जीन्स वगैरह तो सब मेरे को कमेंट में बोलते हैं कि ना आप सूट पहना करो, जब मैं सूट में वीडियो डालती हूँ तब मेरे को सब बोलते हैं कि ना आप एक काम करो दीदी आप जीन्स में अच्छे लगते हो, मैं कह रही ये अच्छा सॉन्ग है तेरी यार भाई, मैं सूट इसलिए कंपेयर करूँ, अगर मैं देखा हो मैं कभी ऐसे वैसे कपड़े भी ना पहनती, कोई ड्रेस व्रेस कुछ ना अच्छी लगती मुझे, खाली जीन्स नीचे जूते ऊपर बदमाशी वाले टॉप ऊंचे ऊंचे अपना करो, अपना बस भाई जयराम जी की सही है। बढ़िया लगा यार रील वायरल होती हाँ है मेरी बिल्कुल। उनमें। अरे मेरी फिलहाल नियोन कलर के कपड़ों में रील डाली है काफी, देखियो नियोनी जूते नियोनी वो सबसे ज्यादा हिट गई है मेरी अभी भी, तो दीदी एक ऑडियंस को एक बार आप ये और बता दो कि आपकी हाइट कितनी है? 5'9" 5'9" लगती ज्यादा है ना। लगती ज्यादा है लोगों को, बहुत हाँ वो रहता है कि भाई कितनी लंबी है, तो भाई पता लग गया 5'9" 5' इतनी हाइट है दीदी की। हाँ सभी बोलते हैं लंबी लगती हूँ हाइट में। दीदी आपके फॉलोवर्स वीडियो देखेंगे, कुछ नोटिस देना चाहोगी, इतना सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ भाई भाई सपोर्ट तो देखो आप बहुत करते हो, इंस्टा पे करते हो, यूट्यूब पे भी कर रहे हो, और ज्यादा यूट्यूब पे करो, बस यही कहना चाहेंगे आपको, आपका प्यार बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ तो भाई दीदी के साथ बैठ के हमें तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया बात हुई दीदी के साथ बैठ के। और दीदी अगले पार्ट टू की कब तैयारी करें, फिर कब समझ सकते हैं कि अगला पार्ट करते आने हैं वाला है? नवंबर के बाद। नवंबर के बाद, तो भाई नवंबर के बाद पार्ट टू भी आ जाएगा, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।